हेलो गाइस, कैसे हो? आज है 20th of March और मैं हूँ अभी कोलकाता में। एंड इस वाले वीडियो में यस हम ट्रैवल करने वाले हैं पायलट के कॉकपिट पे। एंड ये बहुत ही छोटा प्लेन है और हम ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया वन एयर में। तो आपने सारे ब्लॉग देख चुके होंगे इंडियन कैरियर्स के, बिजनेस क्लास भी देख चुके हैं आपने विस्तारा का या फिर एयर इंडिया का। हम ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स जमशेदपुर और मैं हूँ अभी कोलकाता में। ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रह सकते हो। हमारी फ्लाइट है 3 बजे की। मुझे फोन आया था वन एयर वालों का, तो उन्होंने पर्टिकुलर गेट पे मुझे बुलाया था बट मैं गेट भूल गया हूँ। जो है गेट्स बंद हो जाते हैं 1 घंटा पहले, 3 बजे की फ्लाइट है। तो आज का दिन ना मेरा बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बहुत सारी चीजें चल रही दिमाग में एंड कुछ बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। बट एनीवे मुझे कॉल भी आया था इंडिया वन एयर वालों का कि आपको ये गेट पे आना है करके, और मैं गेट ही भूल गया। हालांकि मुझे काउंटर याद है 1D, बट मैं गेट भूल गया कि कौन सा था। अब मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स गेट, फटाफट एंटर करते हैं एयरपोर्ट, देन मैं आपसे मिलता हूँ, दिखाता हूँ आपको बोर्डिंग पास। फाइनली एंटर दी एयरपोर्ट और पता नहीं जो ई टिकट थी इंडिया वन एयर वालों की थोड़ी अलग सी थी, जिसमें डिपार्चर जो है वो अलग जगह दिया हुआ था, जिसकी वजह से जो ऑफिसर थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई डिपार्चर किधर लिखा हुआ है। तो मुझे कहने लगे कि भाई कहाँ लिखा है इसमें CZU, मतलब कहाँ लिखा है कि तुम कोलकाता से निकल रहे हो। तो फिर मैंने उनको देखा, टिकट देखी, उनको बताया कि भाई सर ये देखो ये लिखा हुआ है CCU यहाँ पे। खाली है, काफ़ी बढ़िया एयरपोर्ट है, लेकिन अभी खाली चल रहा है, डी काउंटर हम आ गए। एंड एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, यहाँ से जो है जमशेदपुर इट्स जस्ट 262 किलोमीटर, 260 किलोमीटर दूर है और लगभग 50 मिनट लगेंगे हमको पहुंचने में। एंड जो हमारा प्लेन है ये है 9 सीटर, दैट्स ऑल। इंडिया वन काउंटर्स, ठीक है, D1 D2, बस बाकी 2 ही काउंटर्स हैं इधर, और ये बैग मैं दे रहा हूँ पीछे। बात करूँ मैं प्राइस की, तो मैंने पे किए हैं 2,700 रुपये, दैट्स ऑल, बहुत ही कम प्राइस। अगर आप 2-3 दिन 4 दिन बाद की टिकट बुक करते तो आपको 2,000 में भी मिल जाती, तो अगर आप नॉर्मल फ्लाइट से जाओगे तो आपको महंगी पड़ेगी। बट यहाँ पे 2,500 में जमशेदपुर पहुँच रहे हो। जमशेदपुर पास में है 250 किलोमीटर, लेकिन हम 50 मिनट में पहुँच भी जाएंगे। बाय कार जाओगे, बाय टैक्सी जाओगे तो 5-6 घंटा 7 घंटा लग सकता है। ऑल्सो गाइज, भले ही जो प्लेन है वो 9 सीटर है, लेकिन इसमें आपको जो चेक इन मिलता है अलाउंस वो 15 kg का मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने भी 15 kg का, तो मेरा 10 kg का था, मैंने दे दिया। और मेरी सीट है 3A, थर्ड रो में है, मतलब पायलट से सिर्फ थर्ड रो में बैठूंगा। एंड पूरा कॉकपिट व्यू, पूरा 360 डिग्री व्यू जो आएगा ना, कसम से मजा आने वाला है। तो ये है बोर्डिंग पास और ये मैन्युअली भरा है इन्होंने, पूरा मैन्युअली भरा है। ये अभी डिफरेंट है और कह रहे थे कि अभी इनका सिस्टम सेटअप हो रहा है, धीरे धीरे जब सेटअप हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक होगा, बट अभी फिलहाल मैनुअल है। जाते हैं सिक्योरिटी करते हैं एंड बहुत भूख लगी, कुछ खाऊंगा। हो गया है फाइनली सिक्योरिटी डन, कुछ मैनुअल लिखा है इन्होंने ना बोर्डिंग पास में, तो जो मतलब सिक्योरिटी वाले थे वो बोलते हैं कि भाई ये मैनुअली अलाउड है क्या। फिर किसी ने बताया कि अरे नहीं, जमशेदपुर की फ्लाइट जाती है, मैनुअली इन्होंने लिखा है। बट हाँ, स्टैम्प भी किया इन्होंने बेसिकली फॉर द अश्योरेंस कि मतलब हाँ ये ऑफिशियल बोर्डिंग पास है। ऐसे तो कोई भी लिख के आ जाए और कोई भी चला जाए, तो वो चीज़ है। फाइनली हो गया हूँ मैं एंटर, अब सिक्योरिटी है गेट नंबर 108 से, मतलब 108 से हम बोर्ड करेंगे जो कि है नीचे। यहीं से खाते हैं, कुछ सब्वे खाऊंगा शायद। इतना खराब सब्वे था गाइस, सीरियसली अनबिलीवेबल। मुझे 5 मिनट लगे सब्वे खत्म करने में बिकॉज बहुत लेट हो रहा हूँ। और मुझे फ़ोन आया इंडिया वन वालों का कि जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है गेट नंबर 108 से, तो मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 108। देखो ये है नीचे, तो वहीं जाते हैं 108। हाँ गाइस, ये है बोर्डिंग गेट 108। फिलहाल तो कोई भी नहीं है और यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है जमशेदपुर। हालांकि मुझे फ़ोन आया कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मैं भागते भागते आया, पर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है और 9 पैसेंजर है, तो आप सोचो लाइन तो होनी नहीं है। बोर्डिंग हो रही है स्टार्ट, मैं अकेला ही बोर्ड कर रहा हूँ फिलहाल, तो और कोई भी नहीं है। बस में बैठना है भाई, पूरी बस अपने लिए है। एक पैसेंजर मेरे को और दिखा अंदर, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। आते हैं, बैठते हैं प्राइवेट बस में, इंडो थाई की बस है ये, और बैठ गया हूँ मैं बस में। एंड ये बस भी काफ़ी नई लग रही है, तो जाते। कल जो मौसम था ना कोलकाता का, काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो कल तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं हमारी फ़्लाइट जाएगी भी कि नहीं जाएगी, बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश थी। तो वैसे भी छोटा प्लेन है ये, प्लेन देख रहे हो छोटा सा, इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा ना कि ये रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन है RC, बट नहीं भाई, उड़ता है ये प्रॉपर, 250 किलोमीटर हमको यही लेके जाएगा। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कितना छोटा प्लेन है देखो, 7,000 फिट पे ही उड़ेगा ये, उसके ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो दिस इज़ द प्लेन, फाइनली एंटर कर रहे हैं, बहुत ही छोटा है, ठीक है, इनफैक्ट पूरा एक बंदा ढंग से आएगा भी नहीं, मतलब अब खड़े भी नहीं हो सकते। हमारी सीट है 3A, ठीक है, तो ये है हमारी सीट 3A। हाय, एनीथिंग इज फाइन, एनीथिंग इज फाइन, कम ऑन बोर्ड इंडिया
तो गाइस फाइनली मैं प्लेन के अंदर बैठ गया। दिस इज द कॉकपिट एंड ये पूरा 360 डिग्री व्यू आपको दिखने वाला है टुवर्ड्स जमशेदपुर एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस इट विल। ठीक है तो भाई साहब प्लेन कैसे उड़ता है आज आप देखने वाले हो। और मेरे बगल में देखो क्या व्यू है, ये देखो ये व्यू सामने, ये व्यू और प्लेन देखो पीछे से पूरा ऐसा दिख रहा है। टैक्सी से कम नहीं है। यहाँ पे रीडिंग लैंप्स भी हैं, आई थिंक ये चालू भी होती हैं, आई डोंट नो। हाँ ये रीडिंग लैंप्स भी हैं, यहाँ पे इन्होंने डक्ट वगैरह दिया होगा। तो भाई ऑफ कोर्स ये सब मुझे कुछ समझ में तो नहीं आता कॉकपिट का क्या सीन है क्या नहीं, बट जस्ट फॉर द नॉलेज सेक जो भी एविएशन की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं जिनको एविएशन का बहुत ज़्यादा वो क्रेज़ है तो वो ये देख सकते हैं कि कैसा कॉकपिट है। और छोटी प्लेन है, बहुत ज़्यादा छोटा प्लेन है। अगर मैं बात करूँ स्पेक्स की तो यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। और ये प्लेन एग्जैक्टली बताऊँ तो दिस इज प्लेन का, अगर मैं आपको मॉडल बताऊँ एग्जैक्टली तो इसमें मेंशन होता है, बट अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है प्लेन का मॉडल क्या है क्या नहीं। ये लिखा है अप्रूव्ड बाय DGCA इंडिया वन एयर। मॉडल नेम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर मैं बिफोर रिलीजिंग द वीडियो पता कर ही लूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक पानी की बॉटल भी दी है इन्होंने सारे पैसेंजर्स। इसके अलावा ये है वॉमिट बैग, बाई चांस अगर आपको लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस दी एयरक्राफ्ट बाई पायलट के साथ ही हम ट्रैवल कर रहे हैं एंड आई थिंक इनमें से एक होगा कैप्टन एंड एक होगा फर्स्ट ऑफिसर। आई डोंट नो हु इज द कैप्टन हु इज द फर्स्ट ऑफिसर, बट दीज टू जेंटलमैन आर फ्लाइंग अस टू जमशेदपुर टुडे। एंड इन भैया से भी मैं बात कर रहा था, अंदर पूरा ऐसा एक्सपीरियंस है, अंदर पूरा ऐसा जो है दिखता है। एंड नाउ वी आर फाइनली टैक्सिंग टूवर्ड्स द रनवे। फाइनली आ गए रनवे, ये रनवे है और यहीं से हमारा टेक ऑफ है। तो गाइज ये 360 डिग्री कॉकपिट व्यू बहुत ही रेयर होता है एंड बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मेरे लेफ्ट में, मेरे सामने, मेरे राइट में हर जगह से सब जगह का व्यू है। एंड इसके पहले मैंने एयर टैक्सी में भी ट्रैवल किया है, जो कि मैंने ट्रैवल किया था हिसार से धर्मशाला, वो भी एक्सपीरियंस था लेकिन उसमें 360 डिग्री व्यू नहीं था। एंड इतना कमाल का व्यू, मतलब इस बात पर लाइक तो ठोक ही देना इस वाले वीडियो में। तो मैं ऑल्टीट्यूड देख पा रहा था एंड उस वक्त हम 6200 फीट पे थे ऑल्टीट्यूड पे एंड वी वर क्रूजिंग टुवर्ड्स 8000 फीट फ्रॉम द सी लेवल। और ये थी लेग स्पेस जो कि काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको लेग स्पेस चाहिए तो आप सीट लेना 1B, जो मेरे बगल वाले पैसेंजर थे उनकी वाली सीट जो सबसे थी बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर लेग स्पेस ज़्यादा था। एमरजेंसी एग्जिट भी थी प्लेन के अंदर, दोनों साइड थी, मेरे राइट पे भी थी, मेरे लेफ्ट पे भी थी। एंड ये क्लाउड्स का व्यू बहुत ही कमाल का लग रहा था एंड सामने से आप देख पा रहे थे कि फ्रॉम अ कैप्टन्स पर्सपेक्टिव एक फ्लाइट कैसी होती है। शील्ड देख रहे हो ना यहाँ पे, शील्ड इसलिए दी हुई है ताकि जो धूप आती है उससे बचा जा सके। पानी की बॉटल्स भी थी जैसा कि मैंने बोला आपको, जो ये पायलट की सीट होती है ये पीछे भी आ जाती है। एंड ऊपर रीडिंग लैंप्स भी दिए हुए हैं तो चाहो तो आप कुछ पढ़ सकते हो, हालांकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड एक क्लाउड्स बहुत ही कमाल के लग रहे थे एंड इट वॉज सम हैक ऑफ एन एक्सपीरियंस। एंड फाइनली वी आर एट 8000 फीट। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ ना क्लाउड के अंदर जाने का नज़ारा कैसा रहता है। तो ये देखो सामने क्लाउड था एंड देयर वी एंटर एंड द टर्बुलेंस। ओ भाई ये अलग ही सीन था एंड मैं 360 डिग्रीज में देख पा रहा था चारों तरफ से कि भाई
एक क्लाउड के अंदर जाना और निकलना कैसा होता है, एंड इट वॉज सम नाइस एक्सपीरियंस. और नीचे अभी क्लाउड्स देख रहे हो ना, बेसिकली हमारा डायरेक्शन थोड़ा डाइवर्ट होता है एंड पायलट्स जो डायरेक्शन है प्लेन का डाइवर्ट करते हैं बिकॉज जो सामने कुछ क्लाउड्स थे वहाँ टर्बुलेंस ज़्यादा था. तो आपको सजेस्ट यू आप 3A में ट्रैवल करना या तो आप ट्रैवल करना 2C में. ये है 2C, देखो उसकी लेग स्पेस कितनी बढ़िया है. और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 3A में, तो हाँ 3A की भी लेग स्पेस बढ़िया है. 1A की लेग स्पेस नहीं है बिकॉज वो हमारे जो कैप्टन है उनकी सीट के बिल्कुल पीछे है, तो कैप्टन आगे पीछे होंगे तो आपको अनकम्फर्टेबल होगा. तो आपको सजेस्ट यू कि 3A में ट्रैवल करना या 2C में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इंडिया वन से. और ये 360 डिग्री व्यू गाइस, इतना कमाल का व्यू है ये. मतलब जितना ज़्यादा ऊपर फ्लाई करोगे ना उतनी ज़्यादा धूप पड़ती है, धूप जो रहती है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है. तो ऊपर ये शेड्स देख रहे हो ना. मैंने सुनने में आया है मुझे कि जब आप एविएशन की पढ़ाई करते हो तो आपको क्लाउड्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि मतलब कौन कौन से क्लाउड्स जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वहाँ से जो है फ्लाइट पाथ को नहीं निकाला जाता, दूसरे रूट से निकाला जाता है. क्लाउड्स हैं इनके अंदर टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा रहता है, इट कैन अफेक्ट द एयरक्राफ्ट. कोई अनाउंसमेंट वाला सीन नहीं है. और यहाँ पे इन्होंने फोन और माइक का ऑप्शन भी दिया है. तो यहाँ पे इन्होंने माइक और फोन का भी ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से आप अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हो. तो जब मैंने लास्ट एयर टैक्सी में ट्रैवल किया था और अकेला पैसेंजर में ही था तो मुझे हेडसेट भी दिया गया था, तो उस हेडसेट के ज़रिए जो है पायलट्स ने मेरे साथ कम्युनिकेट किया था. आई थिंक छोटे एयरक्राफ्ट में हेडसेट से ही कम्युनिकेट करते हैं. इसी छोटे एयरक्राफ्ट में आवाज़ इतनी ज़्यादा रहती है कि बगल वाले बंदे की आवाज़ भी ना आए, डजेंट मैटर वो कितना भी चिल्ला रहा हो. एंड इस वाले व्लॉग में तो मैं सीरियसली फ़ोन पे चिल्ला रहा था, लेकिन तो भी आप देख लो आवाज़ काफ़ी कम आई है. ऐसे छोटे प्लेन्स में हेडफोन्स देना पैसेंजर को सही चीज़ है ताकि पायलट्स कम्युनिकेट कर पाएँ एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं तो वो बता पाएँ. एंड गाइज वी आर अबाउट टू लैंड. और आपको पता है झारखंड में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जंगल बहुत ज़्यादा हैं, उसकी झलक आप देख ही रहे हो अपनी स्क्रीन पे. एंड वी आर डिसेंडिंग, वी आर अबाउट टू लैंड. तो एज अ पैसेंजर मैंने कभी भी पायलट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा कि एक रनवे कैसा दिखता है बिफोर द लैंडिंग. तो आप मेरे सामने देख सकते हो दैट वॉज द रनवे एंड जहाँ पर हमको लैंड करना था, बट द होल व्यू इज सरियल. आई डोंट नो कि ये फ्लाइट टूरिस्ट पर्पज से कितनी यूज़ होगी, ऑफकोर्स नहीं होगी, बट द होल एक्सपीरियंस इज अमेजिंग. और अब आप देखने वाले हो प्रॉपर लैंडिंग टू झारखंड एयरपोर्ट. एंड ये लैंडिंग खास इसलिए है क्योंकि ये आप देख सकते हो कि पायलट के पर्सपेक्टिव से कैसी होती है. फाइनली लैंडेड इन जमशेदपुर और एयरपोर्ट गेट. दिस इज द एयरपोर्ट. आई थिंक इकलौती फ्लाइट है जो कोलकाता से आती है, और कोई फ्लाइट है नहीं, पर जो भी है हाँ उतरते हैं. 250 किलोमीटर कवर करके आए हैं एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस यार. सामान देख लेना मेरा. अब जा रहे हैं भाई सामान लेने के लिए, फोटो ज़्यादा लेने दी नहीं इन्होंने. तो भाई साहब ये है हमारा बैग, हमारे आने से पहले ही आ गया. बेल्ट वगैरह कुछ नहीं थी. एक वॉशरूम है एयरपोर्ट में. ये एयरपोर्ट है ठीक है. एंड दिस इज जमशेद जी टाटा. ये है एयरपोर्ट. कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई भी कैब ऐप कुछ भी नहीं है. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टक हूँ. मैंने ओला बुक किया गाइस, तो ओला वाला आ रहा है, कह रहा है कि 2 मिनट दूर है, जल्दी आया. आई थिंक एग्जिट यहीं से है और आपको कुछ भी यहाँ मिलेगा नहीं फिलहाल. आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना. मेरे हिसाब से ये काफी एक्सक्लूसिव कंटेंट. लाइक करे बिना, इस वीडियो को शेयर करे बिना एंड कमेंट करके बताओ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस कोने से देख रहे हो. एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि इस एयरक्राफ्ट का मॉडल क्या था. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.